सर्वर ट्रांसफर एप्लीकेशन पर आज फैसले की उम्मीद, दोपहर बाद कोर्ट दे सकता है फैसला। कोर्ट ने 22 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था, वकीलों के हड़ताल के कारण फैसले में देरी बताई गई। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद नाराज वकीलों के हड़ताल के कारण कोर्ट का कामकाज ठप हो गया था, जिससे ज्ञान व्यापी की सुनवाई भी टल गई थी और कोर्ट की तरफ ट्रांसफर एप्लीकेशन मामले में 1 मार्च को सुनाए जाने वाले फैसले में भी देरी हो गई। हालांकि आज कोर्ट में दोपहर बाद ट्रांसफर एप्लीकेशन मामले में बड़े फैसले की उम्मीद है। ज्ञान व्यापी मामले में अलग अलग अभियुक्तों के कुल 30 से ज्यादा मामले हैं, जिसको लेकर इंदु पक्ष ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट से सभी मामलों को एक साथ सुनने की अपील की है, ताकि फैसले में देरी ना हो सके। और